नन्हा बेंसन हमेशा से अपने नाम का मतलब जानना चाहता था, तो एक दिन बाजार से आते समय उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरा नाम बेंसन क्यों है? खैर, देखो बेटा, मेरा नाम बेन है और तुम मेरे बेटे हो, इसलिए बेंसन। बेंसन अपने पिता के जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर फिर उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। उसकी नजर एक सुपरहीरो के कपड़े पर पड़ी जो एक दुकान के बाहर रखी हुई थी, और बेंसन को सुपरहीरोज बहुत पसंद थे। अपने मन में वो हमेशा एक सुपरहीरो बनना चाहता था। पिताजी, मुझे ये चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। जब बेंसन घर पहुंचा, वो सीधे अपने कमरे में गया अपना नया कपड़ा पहनने के लिए। वो हैरान था कि कपड़ा उसके ही नाप का था। वाह, ये क्या? अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? बेंसन, सुपर सूट तुम्हारी सेवा में हाजिर है। क्या? कौन बोला? मैं वो सूट हूँ जो तुम पहने हुए हो। जो मुझे पहनता है मैं उस पर फिट हो जाता हूँ, और फिर मैं उन्हें सुपर हीरोज वाली शक्तियाँ देता हूँ। ये जरूर एक सपना होगा, ये सच नहीं हो सकता। ये सच ही है बेंसन। ठीक है, तो इसका मतलब मैं हवा में उड़ सकता हूँ और पूरे शहर में भी उड़ सकता हूँ, सच में? हाँ, और भी बहुत कुछ। मैं आदेश मानता हूँ, जो भी तुम कहोगे मैं उसे पूरा करूँगा। बस अपने आदेश के पहले सुपर सूट कहना। ठीक है, सुपर सूट, चलो उड़ते हैं। उड़ने की तैयारी। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो कमाल का है। बेंसन हवा में उड़ रहा था, अपने शहर पर सर्वेक्षण करते हुए, जैसे सुपरहीरोज कॉमिक बुक्स में करते हैं। तभी अचानक से पुलिस ने इस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारे बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये क्या हो रहा है? वहाँ एक डकैती हो रही थी और डकैतों ने बैंक के अंदर लोगों को बंधक बना के रखा हुआ था। अब मैं क्या करूँ? याद रखना बेंसन, मैं तुम्हें शक्तियाँ दे सकता हूँ, पर ये तुम पर है कि तुम उन शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से करते हो। समझ गया, चलो चले। तुम हमें नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है? हमारी मांगे पूरी करो, वरना हम इन्हें चोट पहुंचाएंगे। मेरे होते तो बिल्कुल नहीं। अरे ये कौन आ गया? बेंसन, जो अब एक सुपर हीरो बन चुका था, वो डकैतों से लड़ा और कुछ ही पल में उन्हें जमीन पर बेहोश गिरा दिया। इसने हमारी जान बचाई। ये एक हीरो है। अब आप इन्हें संभालिए सर। तुम कौन हो? बेंसन, बेन। वाह, सुपर बेन। और बहुत ही जल्दी सुपर बेन के कारनामे सारे शहर में फैल गए। वो लोगों को संकट से बचाता, पुलिस की मदद करता, सबसे शातिर गुंडों का पता लगाने में और उन्हें पकड़वाने में। एक बार फिर से सुपर बेन ने शहर को बचा लिया, एक बड़ी डकैती को होने से रोक दिया। स्कूल में बेन देखता कि उसके दोस्त और बाकी के बच्चे किस तरह सुपर बेन के फैन हो चुके थे। उसे बहुत मजा आ रहा था। काश कि सुपरमैन मेरा दोस्त होता। हाँ, मेरा भी। पर उसके स्कूल से कुछ ही दूर कोई था जिसने उस सूट का लोकेशन ढूंढ लिया था। ये है राजगार, एक दुष्ट इंसान जो काफी समय से उस सूट की तलाश में था। आखिर में उसे उस सूट का पता चल ही गया। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। ओ, तो सुपर सूट इसके पास है। चलो इसके साथ एक छोटा सा खेल खेलते हैं। राजगार ने एक प्लान के बारे में सोचा और अगले ही दिन वो बैन के पड़ोस में शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे उसने बैन के परिवार से दोस्ती बना ली और बहुत जल्द ही वो बैन का भी अच्छा दोस्त बन गया। वाह, अंकल राजगार, आपको भी कॉमिक बुक्स पसंद है? पसंद नहीं, प्यार है। अंत में जो हुआ उससे मैं थोड़ा सा निराश था। आखिर फायरमैन ने खुद को सागर के लिए क्यों कुर्बान कर दिया था? क्योंकि
उसे लगा यही सही होगा। बकवास। काफी दिन बीत गए थे और अब राजगार समझ गया कि उसने बेंसन का विश्वास जीत लिया है। समय आ गया है, मैं जो कहने वाला हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। अगले दिन जब राजगार और बेंसन पार्क में चल रहे थे, वहीं पर रुक जाओ। हाँ? तुम्हारे पास जो भी है हमें दे दो, वरना हम तुम्हें और इस लड़के को चोट पहुँचाएंगे। भागो! तुम ही सुपरमैन हो। बेन मुस्कुराया, वो जानता था कि उस पर भरोसा कर सकता है। क्या मैं ये सूट देख सकता हूँ? जरूर मिस्टर राजगुर। वाह, कितना अच्छा लगता होगा ना इसमें। जानते हो, मैं भी एक सुपर हीरो बनना चाहता था, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। मैं बस जानना चाहता हूँ कि कॉमिक बुक्स में जो सुपर हीरो होते हैं उन्हें कैसा लगता होगा। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर राजगुर, मुझे भी ऐसा ही लगता था। हाँ, पर मेरे ख्याल से हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता है। ये कहकर राजगार ने अपना सिर झुका लिया और चलने लगा। क्योंकि बेंसन एक बहुत ही नर्म दिल बच्चा था, बेंसन को ये देखकर बहुत ही बुरा लगा। मिस्टर राजगुर, ये लो, इसे पहन लो और थोड़ी देर के लिए सुपर हीरो बन जाओ। मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगा। पर ये सूट मुझे फिट नहीं होगी। इसे जो भी पहनेगा उसे फिट हो जाएगी। बेवकूफ लड़के, मुझे इस सूट के बारे में सब कुछ पता है। राजगार की क्रूर आंखें चमकने लगी और उसने तुरंत ही वो सूट पहन लिया और सूट पहनते ही वो हवा में उड़ने लगा। सुपर सूट तुम्हारी सेवा में हाजिर है। तुम कितने बेवकूफ हो। क्या? इस सूट को मैं कब से तलाश कर रहा था। पहले मैं एक विलन था और अब मैं एक सुपर विलन बन गया हूँ। पूरी जिंदगी में इस सूट को हासिल करना चाहता था और अब ये मेरे पास है। नहीं, वापस चले जाओ अपनी साधारण जिंदगी में। साधारण लड़के, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता हूँ क्योंकि तुमने मुझे सूट दिया। तुम क्या करने वाले हो? कुछ खास नहीं, बस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। सुपर सूट, चलो उड़ो। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। बेंसन को अपने किए पर अफसोस था, पर बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ शहर में राजगार ने अपना दुष्ट काम शुरू कर दिया था। रुक जाओ, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। भागो, भागो, भागो! तुम सब मेरे सामने अपना सिर झुकाओगे। मैं राजगुर इस शहर का एक नया शासक हूँ। कोई मेयर नहीं, कोई सरकार नहीं, मैं राज करूँगा और तुम सेवा करोगे। तुम नहीं जीत पाओगे, सुपरमैन हमें बचाने जरूर आएगा। सुपरमैन? अब कोई सुपरमैन नहीं है। देखो, मेरे पास उसका सूट है और जिसके पास सूट है वही सुपर है। राजगार का आतंक एक ही शहर पर खत्म नहीं हुआ, वो एक शहर से दूसरे शहर की ओर बढ़ता ही गया। उसका प्लान क्या था? पूरी दुनिया पर कब्जा। राजगार को रोकना बहुत ही मुश्किल है। सेना, नेवी और एयरफोर्स भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। ये उस सूट में ही सारी शक्ति छिपी हुई है। अगर उससे सूट छीन लिया जाए तभी इस पागलपन का अंत हो सकेगा। लेकिन ये कौन करेगा? कौन इसे रोक पाएगा और हमें इस दुष्ट से आजाद करेगा? इस बीच एक निराश और हताश बैन अपनी खिड़की के पास बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। मैं तुम्हें शक्तियाँ दे सकता हूँ, पर ये तुम पर है कि तुम उन शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह से करते हो। हाँ, समझ गया। अचानक बेंसन ने देखा कि सड़कों पर कहर फिर से शुरू हो रहा है। ये तो वही है, वो फिर से आ गया।
मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग मेरे सामने अपना सिर नहीं झुका रहे हो। लगता है अब मुझे तुम लोगों को तो अब सुपरमैन लाठी और पत्थर से वार कर रहा है। पकड़ सको तो पकड़ लो। देखते हैं। गुस्से में आग बबूला राजगार बेंसन का पीछा करने लगा और एक खाली गोडाउन में आ पहुंचा। कहां छुपकर बैठे हो डरपोक? मैं यहां हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक टिप? अरे मैं तो यहां हूं। इस बार तो तुम गए। ये मजाक बंद करो। मुझे मिल गए तो तुम्हारा काम खत्म। तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते जब तक तुम सुपर सूट रिबूट। सुपर सूट रिबूट? रिबूट हो रहा है, इसमें काफी समय लग सकता है। क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। रुको सुपर सूट, रुको रुको। रिबूट हो रहा है, इसमें काफी समय लग सकता है। तुम्हारा खेल खत्म राजगुर। मैं तुम्हें अपने हाथ ऊपर उठाओ। सुपर सूट लेजर बीम शूट करो। रिबूट हो रहा है, इसमें काफी समय लग सकता है। मैंने कहा अभी के अभी। ठीक है, आराम से आराम से, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। पुलिस वालों ने राजगार को पकड़ लिया और उसका सूट भी उतार दिया। इस बीच एक भारी भीड़ गोडाउन के यहाँ जमा हो जाती है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारा है। ये किसी की भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब हमें पता है इससे कितना नुकसान हो सकता है। और तभी बेंसन ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने सूट को आग लगा दी। नहीं, राजगार को हिरासत में ले लिया गया और भीड़ बेंसन की जय जयकार कर रही थी। बेंसन एक सुपर हीरो बन गया बिना सूट का प्रयोग किए, ये साबित करते हुए कि वीरता के काम के लिए आपको सुपर हीरो होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इंसान होने के नाते अपनी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा और दुनिया आपको एक सुपर हीरो के तौर पर ही देखेगी। हम सब के पास शक्तियाँ हैं, हमें बस उन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना आना चाहिए।